मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एफ हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। जब भी कोई वीडियो देखे मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे, ये वर्ड आपको याद भी करना है और साथ साथ उतारना भी है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट होता है तो वह मुझे कॉल कर सकता है। देखिए, हमारा चल रहा है आदर्श प्रश्न पत्र, पेज नंबर है आपका 37। ये वर्ड तो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक एक लाइन में लिखिए। क्वेश्चन है आपको एक एक लाइन में उतारना है। कॉलम चार्ट देखिए, आपको पता है हमने एमएस एक्सेल में अलग अलग चार्ट बनाने सीखे थे, तो कॉलम चार्ट में क्या होता है, इसमें विभिन्न डाटा श्रेणियों को एक्स अक्ष तथा मानों को, जो डाटा श्रेणी होती है उनको एक्स एक्स पर शो करते हैं तथा तो जो उनके मान होते हैं उनको वाई एक्स पर शो करते हैं। लाइन चार्ट, इसमें डाटा श्रेणियों के जो मान होते हैं उनको विभिन्न बिंदु द्वारा दिखाते हैं। सेल, सेल क्या होता है, जब भी आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके सामने की स्प्रेडशीट आती है। स्प्रेडशीट किसकी बनी होती है, रो तथा कॉलम की, जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेल। संकेत, संकेत को बोलते हैं इंग्लिश में लीजेंस। ये चार्ट में प्रयोग, जो आपके कॉलम होते हैं, जो आपकी लाइंस होती हैं, रेखाएं, या जो आपके कलर्स होते हैं, उनका अर्थ बताते हैं, उनको इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन बग है, गलत शब्द को काटिए। सारणी का प्रयोग प्राय चार्ट या सूचना को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। सूचना को करते हैं उसमें हम अरेंज, ना कि चार्ट को। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त होने वाले जो फील्ड होता है, जब भी आप मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, मेल मर्ज क्या होता है, यानी आप कोई भी जब लेटर अनेक लोगों को एक साथ उनके पतों पर भेजना चाहते हैं तो मेल मर्ज का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मर्ज फील्ड, ना कि मर्ज फील। सारणी और चार्ट पंक्तियों तथा कॉलम से बनती है, वो थी आपकी सारणी। सारणी को बोलते हैं इंग्लिश में टेबल्स, जो बनी होती है वो रोज एंड कॉलम से मिलकर बनती है। सामान्यतः किसी भी चार्ट में तीन या दो अक्ष होते हैं, किसी भी चार्ट में क्या दो अक्ष होते हैं, तीन अक्ष नहीं होते, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ये वर्ड आपको याद भी करना है, उतारना भी है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।